नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश। आप देख रहे हैं गिरीश वर्ड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पुराने टेलीफोन के ईयरपीस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और देखते हैं कि अपने मोबाइल के साथ वर्क करता है या नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और आप इसके अंदर का हाल देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्पीकर दिया हुआ है और नीचे की तरफ एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसको आप केबल की मदद से अपने टेलीफोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक माइक लगा हुआ था जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो इसका स्पीकर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसके बाद हम इस कनेक्टर को भी अलग कर लेंगे। तो इन कॉम्पोनेंट्स की हमें जरूरत नहीं है तो इसे हम अलग कर लेंगे। तो इसके बाद हमको चाहिए कुछ इस प्रकार का स्पीकर। आप इसको ईयरफोन से निकाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ इस प्रकार के माइक को लिया है। तो इस माइक को भी आप किसी पुराने ईयरफोन से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम स्पीकर के नेगेटिव के साथ कुछ इस प्रकार के एक वायर को शोल्डर कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने इस माइक को लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस माइक में दो टर्मिनल दिए गए हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो काफी लोग को इसका पता नहीं होता है कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो इसके एक टर्मिनल है वो पूरे बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वो वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है और जो एक टर्मिनल जो सिंगल लगा हुआ है जो बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है वो है इसका पॉजिटिव लेग। तो इसके बाद हमने जो पहले स्पीकर के नेगेटिव के साथ एक वायर को कनेक्ट किया था उसी वायर को हम इस माइक के नेगेटिव के साथ भी शोल्डर कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस माइक के नेगेटिव और स्पीकर के नेगेटिव को आपस में शोल्डर कर लिया है। तो इसके बाद हमको चाहिए एक 3.5 mm का ऑडियो जैक जो कि आप किसी भी पुराने ईयरफोन से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इस जैक के वायरिंग को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस जैक की जो सबसे ऊपर वाली पिन है वो है लेफ्ट, राइट, माइक और ग्राउंड। कई जैक में आपको ग्राउंड और माइक आगे पीछे देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद इसके वायर को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कॉपर कलर की वायर है वो है इस जैक का ग्राउंड। इसके बाद आता है ग्रीन जो कि है लेफ्ट। इसके बाद ये है माइक और इसके बाद जो ये रेड कलर का आ रहा है वो है राइट। तो आप इसमें लेफ्ट और राइट में से किसी भी एक को कट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस जैक के लेफ्ट को स्पीकर के पॉजिटिव के साथ और इस जैक के माइक को स्पीकर के माइक के साथ शोल्डर कर लेंगे और इस जैक के ग्राउंड को स्पीकर के नेगेटिव और माइक के नेगेटिव के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पर सर्किट में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके जैक के ग्राउंड और माइक वाले टर्मिनल कई बार आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इस जैक के नेगेटिव यानी कि ग्राउंड को इस माइक के पॉजिटिव के साथ और उस माइक के पॉजिटिव को स्पीकर और माइक के नेगेटिव के साथ शोल्डर कर लिया है। तो जैसा कि आप इसके सर्किट को समझ ही गए होंगे, ये कोई बहुत बड़ा सर्किट नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सर्किट है। तो इसके बाद हम इस पूरे सर्किट को इस ईयरपीस के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर को ऊपर की तरफ और इस माइक को नीचे की तरफ अच्छे से फिक्स कर लिया है और इसके केबल को भी बाहर की तरफ निकाल दिया है। तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं। तो चलिए इस जैक को इस मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसे चेक करके देख लेते हैं। मैं इस पर एक सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से वॉइस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर कुछ इसी प्रकार के अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली मिलते रहती हैं। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसके माइक को भी चेक कर लेते हैं। मैं आपको इसमें आवाज रिकॉर्ड करके सुना देता हूं। हेलो हेलो हेलो, अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया है तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए। हेलो हेलो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से आवाज आ रही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग को भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया है तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए। हेलो हेलो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से आवाज आ रही है। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि इसकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आ रही है,
एकदम क्लियर वॉइस आ रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।